हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। इंडिया इंडिया प्रपोजेज G20 सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। ये इंडिया का फिर से अपना एक नया इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव है। देखते हैं क्या है। इंडिया ऑन सैटरडे प्रपोज टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन विथ एन एम टू हेल्प द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ सजेशन एट द G20 लीडर्स समिट इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड लीडर इंक्लूडिंग US प्रेसिडेंट जो बाइडन, UK प्रेसिडेंट ऋषि सुनाक एंड द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा एंड अदर्स। मतलब सबके बीच में ये प्रपोजल रखा गया है। मिस्टर मोदी सेड ऑन द G20 सैटेलाइट मिशन वुड बी सेड दैट द G20 सैटेलाइट मिशन वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी जस्ट एज द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिया सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन। मतलब चंद्रयान की बात इन्होंने छेड़ी दी, यहाँ पे अपनी तारीफ करी ली। ही सेड इंडिया इज प्रपोजिंग टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन विद द सेम स्पिरिट। इंडिया इनिशिएटिव ऑल इंडिया इन्वाइट्स ऑल द G20 कंट्रीज टू ज्वाइन द इनिशिएटिव मिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द सेशन एट द G20 लीडर समिट। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहली चीज चंद्रयान, ये चीज भूलने की बात ही नहीं है। चंद्रयान 3। दूसरा, ये क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको लॉन्च कौन करेगा, इसरो। प्रपोजल पहले ही रख दिया है मोदी जी ने, इसरो इसको लॉन्च करेगा। और मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हेल्प द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ का वॉइस कौन है। वॉइस मतलब हेड, ऑब्वियसली आपका इंडिया, हमारा इंडिया कहिए, भारत कहिए, भारत। तो ये चीज़ है, इसमें हमारे लिए और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।